हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। सो आज हम खान सर के एक वीडियो देखने वाले हैं और ये वीडियो है पूरी रामायण की अनदेखी सच्चाई। yes. ये ओरिजिनली खान सर का चैनल पे नहीं है बट कहीं से हमें क्लिप मिला, खान सर का ही है। तो देखते हैं, ये पूरा वीडियो तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, 7 मिनट का ही है। तो देखते हैं ये कैसा होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल सकता है। हाँ, देखते हैं, बिकॉज रामायण के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमें भी पता है। तो देखते हैं खान सर का क्या मतलब अनदेखी सच्चाई क्या है, राइट। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है बिकॉज ये वीडियो इट्सेल्फ बहुत छोटा है और ऊपर से अपने भाई को जब तीर लगा था तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया पत्थर है भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जख्म जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगा है साफ कर देंगे, पीछी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहे हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है। आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए, वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई साहब, बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे वहां जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर इसे चुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए, सब हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तू महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे बहुत सारा महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों? अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था। जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को ना बताएं, किसी को मत। अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं, करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है, अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है, किसी महिला को बताइएगा ना, हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी हल्ला, सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी, कोई खबर पहुंचाना है एक दादी को कह दो पूरा मीडिया का काम। तो इस चीज को आप राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज। लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए, तो घर पे आए तो सबको बताया कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाए, था कि नहीं? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सवाल उठाया गया था कि नहीं उठा? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी माँ सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन की अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी, और कहा भी मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था, तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं
एक नहीं एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच औधा आदमी आज हम लोग बन के बैठे, हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त। लेकिन राम जी अयोध्या आए ना तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी, लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी, दुनिया से मतलब नहीं था ये राम जी, आपसे मतलब था राम जी, आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई, जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर 10% लोगों को डांट देते ना चंदा यहाँ से तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहाँ पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करेंगे। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो वो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने, और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया, और जो हमारे वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं इस सब चीज में मत पड़िएगा, धार्मिक चीजें गलत होती है, लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं, हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने। दूसरों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन आप अगर समाज को देखेंगे ना तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है, उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है? एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा ही वीडियो था, इसका पूरा देखना मुझे, पूरा देखना है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत चीजें बता रहे थे कि हाँ जो इंसिडेंट हुआ हुआ, लेकिन बट उसके ऊपर अगर केस स्टडी बने तो क्यों कैसे और किस चीज के लिए जनरली हुआ है, तो और वो देखने में और ज्यादा हमें अभी के जमाने में फायदा होगा। लाइक वो तो जैसे बता रहे थे कि राम भगवान तो अपना खुद हाथ फेर देते तो ठीक हो जाते, बट लोगों को वो इंस्पायर कैसे करेगा कि अपने से सब चीज करना पड़ेगा, हर चीज। मतलब रामायण ऐसा एक चीज है ना, हर लाइन पे तुमको कुछ सीखने को मिलेगा, हर लाइन पे। रामायण अगर आप जानते हैं तो हर लाइन पे आपको लगेगा नहीं ये भी हो सकता था, लेकिन ये क्यों हुआ, इसके वजह से। आप पूरा अपने रियल लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ उसके पूरा रिलेट कर सकते हो अगर आप देखते हो तो रामायण। ये जो बात बोले ना, जो लास्ट वाला बात, जो सीता वाला बात के रामायण के हाथ में, राम के हाथ में था वो चीज, ठीक है। 10% लोग ही सिर्फ बोल रहे थे राज्य में कि वो राजा थे, राइट, कि हाँ उनको अग्नि परीक्षा देना है एंड ऑल। एक औरत के लिए ये बहुत बड़ा एक पेन का बात है कि उसके उनके जो हस्बैंड है, जिनको जिनका जिनके लिए वो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, फिर 14 साल वनवास में जिनके साथ उस टाइम भी वो इनका हाथ नहीं छोड़े, बट एट द एंड जब आप लौटे तब आप वो 10% लोगों का बात सुन रहे हो और मुझे विश्वास ना करके मुझे अग्नि परीक्षा में तुम बैठने बोल रही है, कैसे कर रहे हो। इसीलिए वो बताएं उनको दुख हो के वो समा गए इसमें धरती में, राइट।
वही एक सही चीज बताया कि सबको खुश करना बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल सबको है खुश नहीं किया जा सकता हर चीज बहुत में। ज्यादा। कुछ चीज आपको अच्छा लग रहा होगा, हो सके वही चीज दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। इस तरीके से है बहुत कुछ, हम कुछ और कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, वो बहुत किसी लोगों को पसंद नहीं आता है, हाँ हाँ राइट। तो इस तरीके से बहुत चीज होते हैं, तो तो हाँ जो लोग बोल बहुत रहे हैं बोलने इंफॉर्मेशन है दो, इसमें। जो जिसको वही इनका पूरा रिजल्ट है कि जिनको जो बोलना है बोलने दो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। हाँ आप अगर बहुत सही हेटर्स लोग हो, बोलते जाएंगे बहुत हाँ कुछ, अगर आप सही हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो यस और आप तरक्की कर रहे हो, आप बढ़ते जाओ बस राइट एग्जैक्टली। अपने फैमिली के साथ आप अगर सही हो तो बस। आप अपने आप आगे बढ़ते जाओ, किसी हाँ का कोई सुनना कोई नहीं सुनना है। मत, वही मैं कि हाँ कैसे खस्ता खलता परिवार एकदम बंद हो गया, एकदम बर्बाद ये हो हो बर्बाद हो गया गया, राइट। राइट। हाँ ऐसे तो 14 साल ये लोग कितने कुछ झेले कितना, हैं, हाँ ऊपर से वहां पे किडनैप वगैरह सब हो गया था रावण के थ्रू, फिर जाके बच्चा हुआ, दो बच्चा ट्विन, उसके बाद भी इन लोगों की जिंदगी में खुशी नहीं है बाहर के लोगों के वजह से। क्या ये एकदम रियल लाइफ जो है ना अपनी जिंदगी के साथ आप रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली वही बात एग्जैक्टली। है। ये राम का सिर्फ स्टोरी ना देख करके अगर देखोगे कि आज के जमाने में भी इस टाइप से बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत कुछ कुछ होता है। होता है, और लोग जनरली बाहर के लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग सुनते क्या हैं कि कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, हमें समाज में रहना है, हाँ समाज की भी सुनना है, लेकिन समाज आपको खाने पीने के लिए वही तो तो देता नहीं है। बहुत बड़ा आपको है अगर तबीयत एकदम खराब बात। हुआ तो सब हाँ चीज तो वो नहीं करते हैं, आपके अपने पॉकेट से ही पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। राइट सब एक चीज सच है। बात बोलूँ इस टॉपिक में, ये टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है फिर भी मैं बताती हूँ, मैं बंगाली हूँ ये बिहारी है, हमारे शादी भी बहुत बातचीत के ऊपर हुआ था। बहुत लोग बहुत कुछ बोले थे कि ऐसे ऐसे में शादी मत करो, तुम बंगाली हो ये बिहारी है, ऐसे में तुम दोनों खुश नहीं रहोगे एंड ऑल। लोग बहुत कुछ बोले, बहुत कान भरे सर में भरे बात के, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ कांड हो जाएगा, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम खुश है, राइट। हम दो लोगों के बारे में सुने ही नहीं, हम दोनों खुश है। यही बात है कि अगर आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें किसी को हानि नहीं पहुंच रहा है, कोई हाँ किसी गलत का चीज अगर कोई आप नहीं गलत कर रहे स्टेप हो जब तक उठा नहीं अपने रहे हो खुशी वो के लिए, सब अगर ठीक आप है, चूज कर रहे हो तो करो, राइट। बस यही बात है। तो रियली बहुत अच्छा, जैसे खान सर बात करते ना इतना अच्छा लगता है, मुझे गूजबम्स आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कैसे बोल रहे थे यार। और ये पूरा वीडियो हमें देखना है, अब है हाँ 7 मिनट ये का पता वीडियो नहीं था है रामायण के खोज बारे ना में, पाएगा शायद और भी किस वीडियो में, मुझे जानकारी पता नहीं। मिलेगी, अगर आपको पता है तो वो लिंक हमें, जी मेन हम वीडियो पूरा देखना चाहते पूरा हैं, देखना क्योंकि चाहते हैं। ये हाँ खान सर का इतना सारा वीडियो सब में खोजना भी हाँ बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल और है। ये हाँ किसी एक टॉपिक पे बात उठा होगा तो उसके टॉपिक में ही कवर कर दिया होंगे, और वो ये इस वीडियो में और डिफरेंट डिफरेंट हो सके तो टॉपिक होगा, तो खोजना ऐसे टाइटल से बहुत मुश्किल हाँ होगा। प्लीज लेट अस नो अगर आपके पास लिंक है गाइस, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बहुत बहुत अच्छा लगा ना ये रामायण महाभारत के बारे में बात करने में, या कोई अगर बात कर रहा है उसके बाद चुप करके बैठ के सुनने में, कुछ अपना थॉट एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हाँ ये तो सच है कि मुझे महाभारत उतना पता नहीं है, इतना बड़ा है वो टू बी वेरी टीवी में देखो मजा फ्रैंक, टीवी आएगा। में देखने में बैठती हूँ ना मैं, भूल जाती हूँ कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, ये मेरा एक्चुअली है, मैं बहुत भूल जाती हूँ। लेकिन रामायण पूरा लाइन बाय लाइन मुझे एकदम पता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर के ये कौन है, उसका बेटा कौन है, और इनका वो बेटा थोड़ा कौन है, ये कैरेक्टर थोड़ा में सा आगे गड़बड़ पीछे हो भी जाता होता है। है। लेकिन जब कोई इंसान ऐसे तरीके का बंदा जो बहुत एकदम नॉलेजेबल है, टीचर है, बैठ के बोलते हैं ना कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एकदम बोरिंग नहीं लगता। और खान सर का तो आप यस जानते ही है, जितने अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाते चीजों को और हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हाँ देता है। शायद ही कोई कर पाता होगा, यस राइट। चीजों को ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट में एक बात बोले ना कि अगर कोई हिंदू कुरान के बारे में बात करता है, या फिर कोई मुस्लिम रामायण महाभारत के बारे में बात करता है, तो बहुत इशू बन जाता है। इस चीज को इशू नहीं बनाना है, क्योंकि महाग्रंथ ग्रंथ होता है हाँ वो, वो चाहे राइट। किसी वो भी चाहे धर्म के लिए हो, बहुत बहुत ठीक एकदम है। हमें तो सच्चाई। हमें हमें सीरियसली वो भी बोले कि कुछ लोगों को छोड़कर के बहुत हाँ सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही चीज के ऊपर फोकस करते फोकस हैं, करते और हैं जो थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा बहुत। पढ़े लिखे हाँ हैं, तो थोड़ा हाँ वो चाहते हैं कि सब चीज जाने, सब सब चीज के चीज बारे जाने, में सब सीखे। चीज एग्जैक्टली जानना तो बहुत अच्छा लगता अच्छा है, चीज हमें है ना, बहुत अच्छा लगता है गाइस। अरे हमारे चैनल में एक एक ही ऑलरेडी लाइफ है, जितना हाँ नॉलेज बांट सके बांट लो। और ले हाँ लो यूज तो नहीं करना है पता है, सब चीज आप यूज यूज ले नहीं लो। कर पाओगे, बट हाँ जितना है अच्छा लगे जो भी लगे उसको ले लो। उसको ले लो, बस यस नॉलेज जब मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो बस ये रहा आज का वीडियो, बहुत दिनों बाद खान सर का वीडियो किए, बहुत दिन हो गया हम खान सर का वीडियो नहीं कर रहे थे, बहुत लोग यस बोल भी रहे थे, इंस्टाग्राम में मैसेजेस आ रहे थे कि क्यों खान सर का वीडियोज़ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आज खान सर का वीडियो कर दिए एंड बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक बटन क्लिक करके लाइक कर यस दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।